हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो हम जो है जयगांव में आए हैं क्योंकि हमें जाना है भूटान घूमने। और अभी बज रहा है सुबह का 6, तो बहुत जल्दी जल्दी उठ गए हैं हम लोग। और अभी एक जन को और उठाना बाकी है, देखिए सोई है। उठ जाओ शिल्पा, हमें जाना है भूटान के लिए, हम लेट हो रहे हैं, हमें घूमने जाना है। उठ जाओ उठ जाओ, नहीं जाना है घूमने। इधर गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। ज्योति दी, हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्योति दी भी रेडी हो गई है, नहीं नहा ली है। चलिए हम भी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम भी रेडी होके चलेंगे भूटान। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। कैसी लग रही हूँ मैं ज्योति दी? बहुत प्यारी लग रही है। अभी तो रेडी होना बाकी है। हाँ, लिपस्टिक भी बाकी है, एक बिंदी। हाँ जो कि शिल्पा से उधार लूंगी। दिखा दीजिए ना शिल्पा को। शिल्पा जो रेडी हो रही है, शिल्पा देखो ये देखो कितना प्यारा कर्ल है सिटी का, है ना? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरा नेचुरल हेयर है कर्ल, देखिए। देखो ये लड़की कितना साफ साफ झूठ बोलती है। ऐसा कर्ल है, एक साइड ऐसे स्ट्रेट है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। ऐसे ही चल, अच्छा लगेगा। तो अभी हम रवाना दे चुके हैं भूटान के लिए। देखिए हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। ज्योति दी है, शिल्पा है और हमारे पार्थ सर भी है। बाहर ठंडा नहीं है ज्योति दी, आप उल्लू बना दिए हम लोग को। ये कितना मजा आ रहा है। अभी हम जाएंगे फॉरेन। कहाँ जाएंगे? फॉरेन, ये विदेश जाएंगे। विदेश? अभी तो हम इंडिया में हैं, अब जाएंगे हम भूटान। तो बहुत मस्ती करने वाले हैं वहाँ जाके। चलते हैं जल्दी जल्दी। सब जींस टॉप पहन के, बस मैं ही एक देसी नारी बन के जा रही हूँ। क्योंकि तुमने नहीं बताया था सूट लाना है। क्योंकि मैं फॉरेन जा रही हूँ ना, तो इंडिया का ड्रेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, वो थारी ब्यूटीफुल नारी विद साड़ी विद कुर्ती। और ये व्लॉग तो और भी मस्त बनेगा। हाय शिल्पा, इधर आए। सर आप दिख ही नहीं रहे हैं मेरा व्लॉग में, आप भी आ जाइए सामने सामने। सर मैं कैसी लग रही हूँ आज नया लुक में? अच्छा लग रही है। सच में? थैंक यू सर। अभी जो है हम भूटान के गेट के सामने आ चुके हैं और ये है भूटान गेट। और इसके अंदर जाने के लिए आईडी चाहिए, जिसमें वोटर कार्ड। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दीजिए, लेकिन आपको जाने देगा ही नहीं जब तक आप वोटर कार्ड नहीं दीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी पर वोटर कार्ड नहीं लाई थी, तो मेरे को बाहर तक ही खड़ा कर दिया था। और ये जो गेट है इससे सिर्फ गाड़ी जाता है, इंसान नहीं। अभी जो हम आपको गेट दिखाए वो है गाड़ी का गेट, और अभी जो गेट दिखाने वाले हैं उससे पब्लिक अंदर जाता है। आइए। इधर देखिए भूटान में कितना, मतलब भूटान तो नहीं है फिलहाल, ये इंडिया है और ये भूटान है। और इधर बहुत सारा शॉप है, ताकि जो वहाँ से भूटनीस लोग आएंगे थोड़ा कुछ शॉपिंग कर पाएंगे। तो बहुत सारा दुकान वगैरह है, फिर ये सब भी है। ये सब को क्या बोलता है तुमका? तीन टकर मामला, बड़ा बड़ा मामला। वही तो मैंने आप लोग को बोला था, ये सब भी है और मास्क वगैरह भी है। जो कि अभी एक अंकल हमें बोल रहा था बिना मास्क का एंट्री नहीं है, ताकि उनका सेल हो जाए। पर हमें तो मास्क लगाएंगे तो लिपस्टिक तो देखेगा ही। इधर में सारा वुटनीस का ड्रेस वगैरह सिलता है, आप देखे होंगे उनका जो ड्रेस होता है। अरे देख लेते ना एक बार। तो इधर से होगा हमारा एंट्री, तो चलते हैं वोट कार्ड निकाल लेते पहले। अब जो है हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, अभी हम जाएंगे भूटान। आ जाइए, चलते हैं भूटान। फिलहाल अभी भूटान में साफ सफाई चल रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब साफ सफाई चल रहा है। जो ऑरेंज कलर का ड्रेस सब पहने हुए हैं यहाँ के स्टाफ है, तो ये सब
यहाँ का देखभाल वगैरह करते हैं। शायद आप देख रहे होंगे वहाँ पर टी बैंक बोल के कुछ लिखा है या फिर टू बैंक समथिंग जो भी हो, तो ये भूटान का बैंक है। और ये रहा गुम्बा जो कि भूटनीस का सबसे मेन भगवान होता है। जैसे कि आपको मैंने एक आप वीडियो देखे होंगे, मेरा ब्लॉग देखे होंगे, मैं थोड़ी बारी गुम्बा का दिखाई थी मॉनेस्ट्री, वो भी ऐसा ही है यहाँ का। तो चलिए अंदर जाके एक बार देखते हैं। कैसा लग रहा है बेबी, फर्स्ट टाइम भूटान? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट टाइम जब हम आए थे हमें तो जाने नहीं दिया था, वो बैड फीलिंग है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उस टाइम हम लोग वोटर कार्ड भी नहीं लाए थे। आप लोग जब भी आएंगे ना, याद करके वोटर कार्ड लाइएगा, नहीं तो मैं हमारे तरह आपको भी एम्बेस फील होगा। बहुत बुरा लगा, मतलब भूटान आके भी नहीं जा पाए, गेट से घूम के चले गए। तो ये भूटान के ही है। ओके, तो ये तो गुम्बा है ना यहाँ का। और भी क्या क्या है नज़दीक में घूमने के लिए सामने सामने? चर्च, 4 किलो में एक गुम्बा था। 4 किलो था। नहीं मतलब इस मतलब इधर घूमना मार्केट। अच्छा, यहाँ पे सबसे फेमस क्या मिलता है? सबसे फेमस खानु पिनु को लागि यो जग्गा राम्रो छ। मलाई पनि आउँछ अलिअलि नेपाली। अच्छा अङ्कल, भुटानको त यो ल्याङ्ग्वेज पनि अलग छ, भुटनिस ल्याङ्ग्वेज छ। हामी ना क्या बोलता मुझे नहीं पता, जैसे मैं नहीं पीती हूँ, क्या बोलता है नेपाली में? हिंदी में बोलने से माँ पीदी ना, हामी पीदी ना, खान देना। सो हामी खान देना, राइट। ये कितना अच्छा दिखा, पैर दुख रहा है मेरा। यहाँ का रास्ता ना ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा। नीचे देख पा रहे हैं, हम वहाँ से चढ़ के आए, सोचे रास्ता कितना खड़ा हो, खड़ा है, खड़ा खराब नहीं, खड़ा। वो देखे छत पे कितना अच्छा दिख रहा है। कोई ओ माई गॉड, भूटान का तो अलग ही लेवल है, छत पे गाड़ी पार्किंग किया है। हम भी इंडिया जाके रखेंगे। अभी हम भूटान से घूम के आ चुके हैं, अब हम जाएंगे इंडिया। तो एग्जिट गेट पे आ चुके हैं, अभी कुछ प्रोसेस है वो भी कर लेंगे। तो फाइनली हम भूटान से घूम के इंडिया आ चुके हैं। तो अभी हम कुछ खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे रूम में, चलते कुछ खाने।